ये मेरी इसराइल सीरीज़ की पांचवी वीडियो और मैंने जेरूसलम की जो डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो थी वो मैंने अभी के लिए स्किप कर दिया क्योंकि उसकी एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तब तक आप इन्जॉय करो आगे की वीडियोस इसराइल सीरीज़ की, और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न वॉल। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल मैं अराउंड 5 बजे वापस आ गया था अपने हॉस्टल। ये यार एक मिनट, कल मैं 5 बजे अराउंड वापस आ गया था अपने हॉस्टल और मेरे थोड़े पैर में दर्द हो रहा जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो कल तो फ्री वॉकिंग टूर ले लिया, फिर मैंने आके हॉस्टल वालों से कहा कि एक दिन और एक्सटेंड कर दो मेरा, क्योंकि जेरूसलम में 2-4 चीज़ें और हैं देखने वाली। देखने वाली तो भाई यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं, मतलब आप इतनी चीज़ें देख सकते हो कि मतलब 10 दिन भी यहाँ पर काट सकते हो बहुत आराम से, पर जितनी हमको जानकारी चाहिए उतनी काफ़ी है। तो ये हॉस्टल से मेरा नज़ारा है, पीछे पूरे ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है। ठीक है, अभी घूमने चलते हैं। सुबह के हो रहे हैं 10:30। सुबह हो गई थी बारिश, 1 घंटा कुछ बारिश चली होगी, तो मैंने कहा तब तक वीडियो वगैरह तैयार कर लेते हैं जो अपलोड करनी है। और अभी मैं जा रहा हूँ वही जो कल फलाफल खाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वही जाके देख लो, वो सबसे सस्ता है यहाँ पे। सबसे सस्ता तो पता नहीं, पर मेरे जो होस्ट थे वो कह रहे थे अगर एक डिजिट आ रहा है ना पहले खाने के, मतलब 19, 18, 17, तो मतलब सस्ता है। तो वो 20 का देता है, 10 की एक जूस की बोतल, 200 रुपये का जूस अब पीना ही पड़ेगा भाई, खाना है तो। ठीक है, पानी अपने हॉस्टल से लेके चलो और पहले फलाफल खाते हैं और फिर चलेंगे हम वेस्टर्न वॉल की तरफ। वेस्टर्न वॉल, अगर ये इस तरफ मेरा हॉस्टल है, वेस्टर्न वॉल अगर आपको नहीं पता तो वेस्टर्न वॉल सबसे सेक्रेड प्लेस है ज्यूज़ के लिए, जहाँ पे वो प्रे करते हैं। प्रे तो वो सिनेगॉग में करते हैं, जैसे क्रिश्चियन प्रे करते हैं चर्च में, तो हिंदू प्रे करते हैं टेम्पल में, तो जो जीव होते हैं वो सिनेगॉग में प्रे करते हैं। ये मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चला है मेरे होस्ट से। ठीक है, अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जेरूसलम वाली, पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, तो भाई जाके देख लेना अगर टाइम हो तो, वरना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जेरूसलम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 क्वार्टर्स में, मतलब अगर हम एक स्क्वायर को 4 भाग में डिवाइड कर दें तो उसको क्वार्टर कहेंगे, और दारू वाला क्वार्टर नहीं भाई। ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 क्वार्टर तो हैं रिलीजन के बेस पे, जैसे क्रिश्चियन। अरे भाई बहुत बहुत भारी कैमरा हो गया। तो 4 क्वार्टर हैं, तो उसमें से एक है क्रिश्चियन क्वार्टर, एक है मुस्लिम क्वार्टर, एक है ज्यूश क्वार्टर, और चौथा है अर्मेनियन क्वार्टर। तो अर्मेनियन क्वार्टर क्यों बना, कैसे बना, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया, मेरे गाइड ने भी बहुत अच्छी तरह बताया है, तो वो जाके देख सकते हो। तो अभी मैं हूँ पता नहीं यार कौन से क्वार्टर में, बिल्कुल बीच में है ये 4 क्वार्टर के, तो मेरे पूछा नहीं कौन सा है, पर शायद ज्यूश क्वार्टर है। और इससे मैं अब जा रहा हूँ मुस्लिम क्वार्टर में। मुस्लिम क्वार्टर सबसे बड़ा क्वार्टर है इनमें से, जो कि कवर करता है, अगर 100 मान ले तो 55% मुस्लिम क्वार्टर कवर करता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहीं रहती है। और अर्मेनियन क्वार्टर कवर करता है थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, सॉरी यार उसमें हिस्ट्री बता रखी है मैंने पिछली वीडियो में, और उसमें सिर्फ 400 लोग रहते हैं अर्मेनियन क्वार्टर में। मुस्लिम क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अभी चलते हैं मुस्लिम क्वार्टर, ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बता दी अगर कोई पहली बार आया तो, वरना आप पिछली वीडियो जाके देख लेना। और अब चलते हैं भाई फलाफल ठूसते हैं और फिर अपना घूमने निकलते हैं। India. Yeah, India. I came yesterday also here. तो मैंने फलाफल तो खा लिया, 630 रुपये का, मतलब एक जूस के साथ, जूस था 220 का जो कल खाया था, और कार्ड से पेमेंट करी है मैंने। तो अब जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी तो 2 बार तो निकट गए पैसे। ये शायद सारा मुस्लिम क्वार्टर चल रहा है, मेरे को पता नहीं, मैं वेस्टर्न वॉल की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ऐसे सीधा सीधा चलना है, मतलब नीचे जाना है और आप पहुँच जाओगे वेस्टर्न वॉल की तरफ। ये सारी मार्केट है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ काफ़ी महंगा होगा, पर फिर भी अगर मन है तो खरीद सकते हो। तो भी दिखाता हूँ आपको सारी मार्केट। ये देखो एग्जांपल, सबसे ऊपर लिखा हिब्रू में, फिर अरेबिक में, और फिर नीचे इंग्लिश में। हम
मेरे पीछे हुआ सिक्योरिटी चेक, मतलब ऐसा कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था पर ठीक ठाक था। और उसने मेरे को देख के पूछा कि कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से, तो कहता आप तो आपने अभी देखा मैं अंदर वीडियो बना रहा था, तो एक बंदे ने मेरे को एकदम से टोक दिया कि वीडियो मत बनाओ। मेरे कई लोग होते हैं जो मतलब कुछ ना भी रीज़न होगा तब भी टोक देते हैं, पर वो बंदा बिल्कुल सही था। वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा और एक दो जगह पूरे बोर्ड लगा रखे हैं कि शबात के टाइम पे आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मत करो, जो प्रेयर कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। तो मेरे को ये सब नहीं पता था, तो मैंने तभी वीडियो बनाना बंद कर दिया। और शबात का मतलब अगर आपको नहीं पता, पहली बार आप इज़राइल सीरीज़ देख रहे हो, तो मतलब शबात एक टाइप की, यार क्या बताऊँ मैं आपको, जूश कल्चर में एक टाइप का मतलब होली डे मानते हैं हर फ्राइडे को, हर फ्राइडे की शाम से हर सैटरडे की शाम तक। तो सैटरडे की शाम मतलब आज जो सैटरडे ही है आज, ठीक है, सैटरडे का दिन है, जैसी शाम हो जाएगी तब आके हम वीडियो वगैरह बना सकते हैं या फिर फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं या फिर कल आ सकते हैं। तो शाम को आऊँगा मैं एक बार, मेरे को भी भाई प्रे करनी है थोड़ा। तो जैसे वेस्टर्न वॉल थी ये पहले 488 मीटर्स लंबी थी, पर मतलब फिर तोड़ा ताड़ी हुई, यहाँ पे फाइट वगैरह हुई, तो अभी थोड़ा सा ही सेक्शन बचा है जहाँ पे सारे वर्ल्ड के जू आके प्रे करते हैं। तो जो वेस्टर्न वॉल के क्रैक्स हैं ना, मतलब दीवार में जो क्रैक हैं, उसमें पर्ची पे लिख के अपनी विश रख देते हैं, मतलब उसमें ठूस देते हैं कि भाई हमारी विश पूरी हो जाए। और इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 2008 में, कल बता रहे थे हमारे गाइड, 2008 में यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो दो कंपटीटर्स खड़े हुए थे, उनमें से एक ही ने वेस्टर्न वॉल विज़िट करी थी और उसने अपनी प्रेयर लिख के उस वेस्टर्न वॉल के अंदर डाल दी थी और वो प्रेसिडेंट बन गया था। तो ये मतलब ऐसे ही बताया था, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर बार पूरी होती है, पर मानते हैं। जैसे आपने अगर मेरे को साउथ कोरिया से फॉलो कर रहे हो तो अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे एक विशिंग वेल सा था, मतलब ऐसी मेरे को मिल गया था चलते चलते, तो मैंने उसमें अपनी सिक्का उछाल दो अगर उस पे पहुंच जाए तो एक विश मांग लो। तो भाई मैंने वो सिक्का उछाला था और फिर वो पहुंच गया था उसमें, और फिर मैंने विश भी मांग ली थी, और वो सच बताऊं तो मेरी विश पूरी भी हो गई थी। तो आज शाम को आते हैं भाई, बड़ी ज़रूरी है विश करना वो वाली चीज़। तो शाम को आते हैं यार, अब देखता हूँ मैं कहीं और घूमते हैं तब तक, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं भी खुद आके अच्छी तरह शाम को देखता हूँ। और अगर वेस्टर्न वॉल जा रहे हो आप तो आपका सिर कवर होना चाहिए। तो अब चलते हैं, बाहर निकल गए ये शायद ओल्ड सिटी के, तो ऐसे ही घूमते हैं, चलो देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं। ये है जेरूसलम की वॉल्ड सिटी, मतलब ओल्ड सिटी जो है पूरी चारों तरफ इसके वॉल बनी हुई है, और सेफ सिटी कहते हैं इसको। मतलब पहले के ज़माने में वॉल अगर बनी होती तो उसको मतलब किला कहते थे कि अंदर तोड़ के कोई आ ना पाए। और ये है जेरूसलम की नॉर्मल वाली सिटी, मतलब जहाँ पे जो इस ओल्ड सिटी के अंदर नहीं रहते वो लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे मेरे होस्ट का घर नॉर्मल वाली सिटी में था, तो ये है यहाँ का सिस्टम। जहाँ तक देखने से पता चल रहा है सारी दुकानें वगैरह यहाँ पे बंद है, जैसे मेरे पीछे देख लो सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा थी, सब कुछ बंद है अभी आज, और शाम को सब कुछ खुल जाएगा। ये सैटरडे शाम को अभी मैं आया, मैंने देखा सब कुछ बंद, एटीएम भी नहीं चल रहे हैं, मतलब क्या पता वो तो वैसे ना चल रहे हो, पर मैंने देखा वैसे ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा ये तो ज्यूश क्वार्टर है पक्की बात। कुछ खाने पीने की भी दुकानें सारी बंद है, पिज़्ज़ा वगैरह सारी दुकानें बंद है आज। और मैं जो खा के आया था, मैं मुस्लिम क्वार्टर में खा के आया था, क्रिश्चियन का मेरे को नहीं पता, पर ज्यूश तो बंद था क्वार्टर। ये कह भी रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड ज्यूश क्वार्टर क्लोज है, बंद था। सारी ये सिटी चल रही है, पूरा ऐसी पत्थर की बनी है, ये लाइमस्टोन से है, ये काफ़ी स्लिपरी है भाई, चलते वक्त ध्यान रखना। सब बंद है देखो, ये भी सब बंद है यहाँ पे आज। अगर आप लोग रखते हो ना थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह का शौक, तो आप यहाँ पे सैटरडे को आना, ऐसी खाली सड़कें मिलेंगी और यहाँ पे बैठ के खुद ही थोड़ी फ़ोटो खींच लेना, टाइमर वाइमर लगा के जैसे मैं खींच रहा हूँ।
और धूप आ गई भाई एकदम से कितनी सारी। तो सैटरडे को जूश क्वार्टर पूरा खाली मिलेगा, फ्राइडे की रात से सैटरडे की शाम तक। तो आराम से यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हो, वरना काफ़ी भीड़ रहती है। क्योंकि काफ़ी भीड़ तो नहीं, मतलब इंडिया की तरह तो नहीं रहती कि पूरी भीड़ ही रहती है, पर अब बिल्कुल ही खाली मिलता है क्योंकि सब लोग आराम कर रहे हो उतने घर के अंदर, जूश क्वार्टर में स्पेशली। मज़ा आ रहा है यहाँ पे अकेले घूमने में, ऐसा फील आ रहा है जैसे हैरी पॉटर वर्ल्ड नहीं होता, ऐसी दीवारें आर्चेस बीच में, और काफ़ी सही है यार। आराम से घूमो, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई है ही नहीं सड़कों पर, और इतनी बढ़िया जगह है। मज़ा आ गया भाई मेरे को तो ऐसे घूमने भी, मतलब स्ट्रीट्स में चलने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो भाई। जो मैं कह रहा था ना आप लोगों को कि सिनेगॉग, ये स्पेलिंग होती है सिनेगॉग की, यहाँ पे सारे ज्यूइश बंदे ज्यूइश लोग प्रे करते हैं। स्ट्रीट्स देखो यार यहाँ की, इस स्ट्रीट से मैं आया अभी, ठीक है, फिर एक इस तरफ जा रही है टनल की साइड, और फिर एक इस साइड जा रही है, पूरा हैरी पॉटर वर्ल्ड। एक तरह से ये भूल भुलैया है, अगर खो गए तो बच सकते हो, ऐसा भूल भुलैया नहीं है। मैंने तो याद कर रखा है भाई, अगर मैं भूल जाता हूँ जाफा गेट पूछ लूँगा मैं कि जाफा गेट कहाँ है, वहाँ से मेरा हॉस्टल 200 मीटर है, बस वो मेरे को पता है जाफा गेट से कहाँ है मेरा हॉस्टल। वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं पहचानने लग गया हूँ। देखो यार मतलब जैसे एक ये तिराया आ गया, इस तरफ एक रोड मस्त से जा रही है, फिर इस तरफ जा रही है कुछ टनल में से रोड, चलते हैं इस तरफ, ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं तो, मज़ा आ रहा है मेरे को तो भाई बड़ा, मतलब पूरा वही है हैरी पॉटर वर्ल्ड है भाई। देखो आगे से ये 2:30 बजे घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं, 1:30 बजे भी बजी थी जब मैं लाइव गया था, पर ये अराउंड 1 मिनट से बज रही है अभी, उस तरफ बज रही है। मेरे को ये नहीं पता, ये मेरे हिसाब से चर्च में ही बज रही है। हो गया खत्म। तो ये घंटियां दोबारा, मतलब मेरे को समझ, मैं भी किससे पूछता हूँ रिसेप्शनिस्ट से कि घंटियों क्या सीन है, फिर आपको बताता हूँ क्या, मतलब जब मन कर रहा तब बजा रहे हैं क्या। तो एक मिनट फोकस, हाँ तो मैं 1:30 बजे लाइव आया, तब 2 बार बजी बस फिर नहीं बजी, और फिर अब बजे ही जा रही हैं। तो इसका मैं रिसेप्शनिस्ट से पूछ के बताता हूँ क्या सीन है इन घंटियों का, कब कब कैसे कैसे बजती हैं ये, और फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा क्योंकि मैं भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ। 1:30 बजे एक बार ही बजी, एक या 2 बार ही, और अब लगातार 2:30 बजे हैं अभी, और लगातार अब कम से कम 1.5-2 मिनट से बज रही थी। तो मैं फटाफट कैमरा लेके भाग के आया कि भाई आपको दिखाना है। अब देखते हैं 3:30 बजे बजती है नहीं बजती, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। ये शाम को मैंने लेने की कोशिश करी एक बढ़िया सा टाइम लैप्स ओल्ड जेरूसलम सिटी का, और अब टाइम हो गया था दोबारा वेस्टर्न वॉल की तरफ निकलने का। मेरे पीछे है वेस्टर्न वॉल, जो मैं हिस्ट्री आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, जूश पीपल की सबसे सेक्रेड प्लेस है ये। तो सुबह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि शबात चल रहा था, तो मैं दोबारा रात को आया हूँ आपको दिखाने, और भाई खो गया था मैं, और सब लोग दुकान बंद कर रहे थे, तो बड़ा डर सा लग रहा था कि वापस कैसे जाऊँगा, पर मेरे को याद आ गया कि मैं पहले कहाँ से आया था, तो वहीं से जाएंगे दोबारा वापस। अब क्या पता नहीं, कहीं घूम घूम के लोगों ने थोड़ा, मतलब किसी को कोई रास्ता पता है, किसी को कोई पता है, तो जो पसंद आता है वही बताते हैं लोग। तो अभी शबात ख़त्म हो गया तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब उस टाइम नहीं करना होता जैसे मैंने सुबह बताया था, और अभी मतलब सर कवर करके जाना होता है छोटी सी टोपी या फिर हैट से, फिर जाके अपनी वो जो मतलब पर्ची है वो जाके उस दीवार में डाल सकते हो जो आप विश मांगना चाहते हो। लेडीज़ के लिए अलग है यहाँ पे और जेंट्स के लिए अलग है, तो आ सकते हो यार, मैं तो कहूँगा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस होगी पूरे जेरूसलम में, तो आ सकते हो। और ऐसा कुछ अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे पूरा।
यहाँ से आप ले सकते हो टोपी। तो शायद आपने देखा नहीं होगा, अब दिख रही है, ये मुस्लिम जो हैट लगाते हैं उससे थोड़ा अलग है, और मेरे को पता नहीं यार बिल्कुल क्या फॉलो करते हैं, तो मैंने लगा रखे, तो मतलब मैं वो पर्ची ढूंढ रहा हूँ यार कहाँ पे लिख सकते हैं पर्ची पे, और उठ ना जाए बॉडी से जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो मैंने पूछ लिया रिकॉर्ड कर सकते हैं और कहाँ लगा यार, एडजस्ट ही कर लूँ थोड़ी, ठीक है। तो आप पूरी भीड़ लगी हुई है अभी, मैं अगर पर्ची नहीं मिली तो दीवार में माथा टेक रहे हैं सब और फिर जा रहे हैं, तो वही करके मैं चला जाऊँगा। घर से लेके आनी चाहिए थी पेन और पर्ची मेरे को लग रहा है, और आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। सारी किताबें रखी हैं यहाँ पे, थोड़ा हिस्ट्री लेसन, थोड़ा ज्ञान का लेसन देता हूँ आपको। तो अभी मैं खड़ा था एक ज्यू बंदे के साथ, जो मतलब ये पूरा कोट पैंट तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, और मतलब ऊपर एक हैट लगाते हैं ब्लैक कलर की, पूरा ब्लैक हो जाते हैं, और अंदर वाइट कलर की शर्ट पहनते हैं। तो मैंने काफ़ी बातचीत करी, तो इन्होंने बताया कि दिन में 3 बार प्रे करते हैं लोग, शबात के टाइम पे 3 बार प्रे करते हैं, और फिर शाम को आके अपना मतलब यहाँ पे आके मेन प्रेयर करते हैं शाम को आके, और मतलब फिर जो वो मैंने आपको पहले बताया था जो पर्ची रख देते हैं जो विश मांगते हैं, तो मैंने पूछा हर हफ्ते मांगते हो, कहते हैं हाँ हर हफ्ते मांगते हैं जो हमको चाहिए होता है, और ये बाइबल पढ़ते हैं ये लोग भी, ये भी मैंने पूछा कि कहते हैं हाँ हम बाइबल ही पढ़ते हैं। और मैंने जिसके साथ खड़ा था मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी हैट ले सकता हूँ, मतलब मैंने 2-3 बार पहले सॉरी कह दिया भाई क्या पता रिलीजियस वो हो, तो कि हैट के साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, कहते हैं मैं दे तो देता हैट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मेरे को प्रे करने जाना है उसके लिए मेरे को हैट चाहिए होगी और मैं उससे पहले उतार नहीं सकता। मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई अपना करो, और अभी देखता हूँ यार किसी की हैट के साथ तो फोटो बनती है ना, इतना तो चलता है, जिसकी प्रेयर ख़त्म होगी होगी उससे मैं एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ, एक फ़ोटो तो यार मतलब इतनी बड़ी जगह पे आए हैं एक फ़ोटो तो बनती है। You speak English? Yes, no. No? Speak Hebrew? Hebrew? No. No, I don't. Oh. Where? Wind. We no good to speak English. Not good English. My name is Nitai. My name is Gaver. I'm Navankur. I'm from India. You know India? India? India, you know? You don't know India? Yeah, we know. Okay. You live here? Yeah. In here. Old city? Old city? Israel. Israel? I'm from Israel. Okay, which part of Israel? Yes, I love Israel. You came here to pray? 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 Yes. Okay. ओके ऑन शबात, ओके गुड। ये है वेस्टर्न वॉल, और ये आपको सफ़ेद कलर की जो चीज़ें दिख रही हैं ये पर्चियाँ हैं जो क्रैक्स में ज्यूइश लोगों ने डाल के अपनी प्रेयर्स लिखी हैं इस पर। तो अभी भाई दो खड़े थे वो फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब मैं गया उनके पास, तो उनको सिर्फ हिब्रू आती थी, इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। तो भाई वो दोनों बंदे दोबारा आए, बड़े मतलब 17-18 साल के होंगे, दोबारा आए और कहते हैं कि आपको फ़ोटो खींचने, क्योंकि मैं कैमरा चला रहा था, उनको लगा कि फ़ोटो खिंचवानी है। तो मैंने यार उसके हैट की तरफ इशारा किया, तो उसने तुरंत उतार के दे दी मेरे को अपनी हैट और कहा कि लो भाई खिंचवा लो फ़ोटो। उसने खींची भी आराम से, और मतलब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। एक वो पागल मिला था शुरू में ट्रिप के, जिसने स्कैम वाली वीडियो देखो जाके देख लो, और ये फोटो देखने के लिए भाई आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम। आई एम रियली सॉरी यहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं, थोड़ी मेहनत करके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, तब देखने को मिलेगी आपको ये फोटो।
अब हो चुका है यहाँ पे रात, रात मतलब 7 बज चुके हैं, दुकानें वुकानें बंद हो गई थी भाई। अब बड़ा भूल भुलैया में से जाना पड़ेगा, वैसे मेरे को थोड़ा बहुत रास्ता पता है, पर फिर भी ये है मेरे पीछे वेस्टर्न वॉल और सबसे सेक्रेट प्लेस जीव्स की, तो थोड़ा यहाँ पे आओ तो बिहेव करना ठीक है। बहुत ठंड भी हो रही है और मेरा फिर से थोड़ा पैर में दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि आज भी काफ़ी घूमा हुआ है। तो चलते हैं वापस हॉस्टल, और शबात के टाइम पे यहाँ पे आओगे ना तो देखो दो चीज़ें होंगी, आपको वीडियो बनाने को थोड़ा कम मिलेगा पर ऑब्जर्व करने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म, अब मिलेंगे कल, कल का है अलग प्लान जो कि आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। अब चलते हैं वापस हॉस्टल, प्रे कर लिया भाई मैंने, काश साउथ कोरिया वाली की तरह ये वाला भी पूरा हो जाए मेरा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। मतलब काफ़ी देर तक मैंने प्रे करा भाई, 2-4 मिनट तक, कि भाई सारे एस्पेक्ट्स बता दिए भगवान जी को। और अब चलते हैं वापस अपने हॉस्टल, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे सब कुछ बंद हो चुका है, आगे भी लगभग 2-4 दुकानों के अलावा मतलब अपनी दुकान बंद कर रहे हैं लोग। मतलब यार वैसे लोग कहते हैं बढ़ा रहे हैं, मतलब अगले दिन खोलेंगे, पर मैं कहता हूँ बंद कर रहे हैं, कल दोबारा खोल लेंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है कहने का, जैसे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मैंने चीज़ बेच दी, लोग कहते हैं मैंने चीज़ बेक दी, मैंने कहा बेक क्या होता है, बेच ना होता है, चलो सबका अलग अलग होता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, इन सुनसान गलियों में से निकलते हुए, सुनसान नहीं ये वाली गली तो ठीक ठाक चल रही है अभी भी, हाँ इसी तरफ से जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वेस्टर्न वॉल की, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना और अगली वीडियो तक बने रहना। भूल भुलैया मैंने पहली बार देखा है कि रोड का एंड आ गया, किसी का घर है ये, तो वापस चलते हैं। इस तरफ ये इस तरफ इस तरफ चलते हैं। अरे मेरा हॉस्टल ही आ गया तो इस तरफ तो देखो मिल गया। ऐसे घूमते घूमते मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हॉस्टल मिलेगा मेरे को। ये आ गया मेरा सिटाडेल यूथ हॉस्टल।